नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बम्बू पाम, उसको किस तरह से गमले में लगाएं। बहुत ही अच्छा पौधा है दोस्तों। अगर आप इंडोर प्लांट में अगर सोच रहे कुछ लगाने के लिए, तो इसको लगा ले, ऑफिस में रख सकते हैं, हर जगह रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे राइट कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, और जो बैक बैल है उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पौधा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बम्बू पाम। तो इसको जो लगाना है, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसकी जो है मिट्टी किस तरह से तैयार करें। तो गमले में जो मिट्टी होती है वो खास प्रकार की मिट्टी डालनी पड़ती है, तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये DAP है, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP में डाल चुका हूं, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए, नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूं मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूं। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए, ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो, इसको इसके ऊपर रख दीजिए। देखिए इस तरह से, अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसके हम जब थैली निकाल लेंगे ऊपर से, दोस्तों ये जो काली थैली होती है ये ऐसी रहती है कि ये अपने आप मिट्टी में घुल जाती है, और टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो इसको इसीलिए इसी प्रकार से लगाया जाता है। तो अब हम इसको बीचों बीच गमले के सेंटर में लगा देंगे। इस सेंटर में लगाने से इसका जो है जब ये बड़ा होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, देख लीजिए आप। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, दोस्तों अब हम जो है इसमें मिट्टी डालेंगे। दोस्तों, इस तरह काम जब भी करें शाम के समय में करें। शाम के समय करने से फायदा यह है कि पौधा जो आराम से सर्वाइव कर जाता है, इसको रात में अच्छे से जो है सर्वाइव। और आपने खेत में अक्सर देखा होगा, शाम के समय ही जो है जितने बीज बोए जाते हैं या खेत में जो भी काम होता है वो शाम के समय होता है लगाने से संबंधित। तो ये जो है एक काम अवश्य कर ले, और इसको लगाने के बाद आपको कम से कम 7 से 8 दिन तक छांव में रखना है। बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों, जरूर लगाएं घर में, ऑफिस में भी ये लगाएं, बिल्कुल कम मेंटेनेंस, और दिखने में इसका लुक भी अच्छा लगता है, और ये जो है कमरे में जो है
वायु प्रदूषण को कम करता है, उसको अवश्य लगाएं। इस तरह का काम करने के बाद दोस्तों पानी अवश्य डालें। तो इस तरह से जो है आप करें, और ये देखिए तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा। दोस्तों अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।